नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ हैं दो कृषि विशेषज्ञ जिनसे मैं चर्चा करूंगा धान के बारे में। धान की फसल की शुरुआती अवस्था में किसान क्या करें, धान में बीज शोधन में क्या क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और दोस्तों ये सारा कुछ बायोलॉजिकल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि धान में जबरदस्त रिजल्ट आते हैं इन प्रोडक्ट्स के, और जो भी धान में रोग आते हैं अभी चौहान साहब से मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र में तो धान थोड़ा कम होता है, पर जो मेरे साथ बाहर से लोग जुड़े हुए हैं मेरठ साइड के, मुजफ्फरनगर साइड के, अलीगढ़ साइड के और सारे, और जहां जहां धान की बेल्ट होती है उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया दो तीन दिन से कि शर्मा जी जानकारी दो धान की कैसे हम अच्छी पैदावार लें। तो बायोलॉजिकल का दोस्तों धान की फसल में क्या महत्व है और कैसा काम करते हैं इसके प्रोडक्ट, और कौन कौन से प्रोडक्ट आप मार्केट से ले सकते हो धान में बीज शोधन से लेके और शुरुआती अवस्था तक, जिससे पैदावार आलू को उसकी धान की बहुत बढ़िया हो, फिर मुंह में से आलू निकलना है। बाकी दोस्तों मूंग उड़द में मैंने आप लोगों को दिखाया जो भी बायोलॉजिकल के जो प्रोडक्ट है दोस्तों, एक तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट जो मेरी मूंग है, जो मेरे उड़द मैंने भी अपने खेत में किए हैं, उसमें मैंने बायोलॉजिकल का दोस्तों लगभग 80% रेशियो रखा है मैंने स्प्रे में, लगभग 20% मैंने केमिकल दवा लगाई है, 80% मैंने बायोलॉजिकल लगाई है, और भरपूर बढ़िया रिजल्ट मिले हैं सारे किसानों को जितने भी किसान मुझसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूरी तरह निर्भरता अगर हम बायोलॉजिकल पे कर देंगे तो भी ठीक नहीं है, पर धीरे धीरे करके उसके बारे में, अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही, क्यों केमिकल के साथ अगर 50-50 भी रेशियो हो जाए अगर किसी भी फसल में तो चौहान साहब फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चौहान साहब थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि तभी आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी, है ना। तो चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। दोस्तों कृषि विशेषज्ञ हैं और ये IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड के लिए काम करते हैं कंपनी के लिए दोस्तों, जो कि एक बायोलॉजिकल की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके कई पेटेंटेड प्रोडक्ट आते हैं, कई प्रोडक्ट हैं दोस्तों बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करेंगे चौहान साहब कि बीज शोधन में धान की नर्सरी लगने का समय आ रहा है, कुछ लोग लगा भी चुके हैं, तो क्या क्या समस्या किसानों को आती है और उनका क्या क्या निदान है आपके पास? किसान भाइयों नमस्कार। सनु जी इस समय जो है धान की नर्सरी पड़ रही है, कहीं भी पड़ चुकी है और कहीं पे जो है अभी और लेट पड़ेगी। तो जो किसान धान की शुरुआत से नर्सरी डाल रहे हैं और सबसे ज्यादा हम जो बताएंगे आपको कि एक कृषि में मूल मंत्र भी होता है कि पहले होता है बीज उपचार, दूसरा होता है मृदा उपचार, क्योंकि रोग आने के कारण ही तीन होते हैं, एक तो बीज जनित, दूसरा मृदा जनित और तीसरा होता है हवा द्वारा। ठीक है, तो धान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है धान की खेती में, एक पकाने की समस्या, जैसे हमारा धान हम नर्सरी में भी पकाने रोग आ जाता है और नर्सरी के बाद जब हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं वहां भी पकाने रोग एक भयंकर रूप से जो है फैल रहा है। तो उसके लिए हम किसान भाइयों से एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि इस बीमारी से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमें बीज शोधन करना है। अच्छा, बीज शोधन। अब बीज शोधन हम कैसे करें और किस दवा से करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणाम आए जी, तो उसके लिए हम जैसे हमने 1 किलो बीज से हम बोलते कि धान का 1 किलो बीज दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 किलो बीज को 2 किलो पानी में हम जब डुबोएंगे उसमें कम से कम 100 ग्राम नमक पहले घोल लेंगे। अच्छा। उसके बाद हम बीज डाल देंगे और हाथ से घुमा देंगे, जिससे हल्के बीज होंगे जो रोगग्रस्त बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसको हम बाहर निकाल के दे देते हैं, फिर उसको हम साफ पानी से 2 बार धुल देते हैं। जब हम तीसरी बार पानी लेंगे तो उसमें 1 किलोग्राम के लिए बीज शोधन के लिए ये द्वारा जो बायोहर्ज है इसमें टाइकोडर्मा हर्जेनियम होता है जी, 10 ml पर kg के हिसाब से हम बीज शोधन करते हैं। अच्छा। जो हमने 2 लीटर पानी लिया है जी, उसमें हम केवल 10 ml इसको डालेंगे जी, और उसी में हम बीज को डाल देंगे। ठीक है, और 24 घंटे तक उसको हम पानी में पड़ा रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो 20-22 घंटे तक छाया में हम कोरे में ठककर उसको रख देते हैं। जब उसमें छोटी-छोटी जैसे अंकुरित हो जाता है, सफेद सफेद मुक्की सी दिखती है, जब वो दिखने लगे तो हमारा बीज 100% अंकुरित हुआ है। अगर वो मक्की नहीं फूटती है तो वो बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा जर्मिनेट का भी पता पड़ जाता है कि हमारा बीज जमेगा कि नहीं जमेगा।
फिर हम इसको ले जाते हैं नर्सरी में। नर्सरी में भी हम क्या काम करते हैं कि हमें नर्सरी को भी शोधित कर लेना चाहिए। अच्छा, जमीन जो जैसे मृदा, हाँ जमीन मिट्टी, मिट्टी को जैसे जो जगह बना हम नर्सरी बो रहे हैं जी, तो उस मिट्टी को भी शोधित कर लेना चाहिए। तो उस मिट्टी को शोधित करने के लिए हम बायोहर्ट जो है, जो ट्राइकोडर्मा, हाँ ट्राइकोडर्मा हर्डेनियम, अच्छा ट्राइकोडर्मा बायोहर्ट के नाम से आता है। अच्छा, एक आता है संजीवनी के नाम से, ट्राइकोडर्मा वर्डी। अच्छा, ट्राइकोडर्मा वर्डी और ट्राइकोडर्मा हर्डेनियम इसमें अंतर है? हाँ, ये दो स्पीसीज है ट्राइकोडर्मा की, और ट्राइकोडर्मा एजोस्पलम भी आता है। अच्छा, कई स्पीसीज है, बट सबसे ज्यादा जो अच्छा काम करती है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, दोस्तों देख लो, हाँ, और तुम्हारा ट्राइकोडर्मा हेडी। अच्छा, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम लेना है भैया बीज शोधन के लिए। तो इसको हम नर्सरी के लिए क्या करेंगे कि हम दो, जैसे आपका 5 किलो बीज है तो 250 ml लेंगे। अच्छा, अगर हमारा 10 किलो बीज है या 20 किलो बीज है तो हम आधा लीटर भी लेंगे, उसको गोबर की खाद या मिट्टी में मिला लेंगे और नर्सरी में बिखरे। ठीक है, और उसके बाद हम नर्सरी को भर लेंगे। ठीक है, और उसमें हम अपना बीज डाल के, ठीक है, या पानी को पहले गदेला कर ले तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो अगर नहीं गदेला किया, साफ पानी भी डाल दिया तो हल्की भुरभुरी मिट्टी हम ऊपर से फेंक देंगे जिससे उसकी पतली लेयर चढ़ जाए, तो हमारा बीज जो है 100% जर्मिनेट होता है। तो सर एक सवाल मैं पूछूंगा, बीच में आपको रोकूंगा, कि नेमाटो फ्री, ये निमाटोड की जो समस्या है ये अब धान में भी आने लगी है भयंकर रूप से, गेहूं में भी आती है तो, और कैप्सिकम में भी आती है, बैंगन में भी आती है, बैंगन में, तो निमाटोड की जो समस्या हर फसल में बढ़ रही है। तो इसकी निजात के लिए हम लोग जो निमाटो फ्री है इसका जो है ट्राइलो स्पेडियम बैसलस जो आता है ना, ये लिखा हुआ है इस पे तुम्हारा ट्राइडोस्पोरियम, तो ये नेमाटोड के लिए सबसे बेस्ट दवा है बायोलॉजिकल में। इसको हम 2 किलो पर एकड़, अगर हमें लगता है कि हमारे खेत में पिछले साल आया है और हमने कई दवा डाली और कारगर नहीं हुई है, तो हम कहते हैं इसको एक बहुत अच्छी दवा है कि इसको हम 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम शुरुआत में जब ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम उसको खेत में देंगे। इसके साथ मिलाकर कोई ऐसा गोबर की खाद ले लें, अगर नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी में भी मिला के फिक्स, मिट्टी में मिला के, ठीक है। और सॉइल एप्लीकेशन में जो हमने बताया कि पकाने लोग और फुट रोट, फुट रोट समझ लो, जैसे हम धान लगाते हैं और कई जगह पे हमारा पूरा धान सूख जाता है, गल जाता है, नीचे से आप पौधे हाथ में आ जाते हैं, जड़ नीचे रह जाती है, जी जी जी, जड़ गलन जिससे आप आलू में भी आता है, ये भी समस्या बहुत भयंकर है। तो इस बकानी और जड़ गलन को छुटकारा पाने के सबसे बढ़िया है कि हम सॉइल एप्लीकेशन में ट्राइकोडर्मा, अच्छा, और ये तुम्हारा फसल रक्षक है संजीवनी और फसल रक्षक, एक एक किलो हम शुरुआत में डालते हैं, एक एक किलो, एक एक किलो, एक एकड़ में एक एक, एक किलो संजीवनी, संजीवनी एक ट्राइकोडर्मा वर्डी, वर्डी और स्यूडोमोनास, ये प्रोविंसेस फसल रक्षक के नाम से, ठीक है, इसको हम एक एक किलो सॉइल एप्लीकेशन डाल देंगे, ठीक है। तो आप इस बकानी रोग से और फुट रोग से लगभग जो है 90% आपको निजात। बहुत बढ़िया, इसके लिए फिर दुनिया भर की दवाई किसान लगाता है और कारगर भी नहीं है, कारगर भी नहीं है। आप केमिकल पे जाओगे, कोई थायफिड मिसाइल देता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड डालता है जी। हम एक सिंगल किसान से आप पूछना कि डालने के बाद कितना आपको रिलीफ हुआ, कुछ नहीं होता उससे, जितना इफेक्टिवली तुम्हारा जो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो फसल अच्छा के संजीवनी, इसके आपको लगभग 100% रिजल्ट मिलता है। दोस्तों पेटेंटेड है IPL का, ये IPL बायोलॉजिकल की नंबर वन कंपनी है भारत की, और इसका ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है स्यूडोमोनास। दूसरा, किसी आपको जरूरी नहीं है, ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, एक बेहतर जानकारी किसानों को देने का माध्यम बने बनाया दोस्तों धान वालों के लिए। आप किसी भी, आप स्यूडोमोनास किसी और अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हैं, पर जैसे बेस्ट कोई चीज है, जैसे किसी भी चीज में कि कंपनी ये कंपनी बढ़िया ये कंपनी, तो आप IPL का आपको ज्यादातर अगर आपको मार्केट में मिले तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। शर्मा जी, एक और बता दें, ये माइक्रोबियल में आज IPL जी इंडिया की नहीं, एशिया की नंबर वन, एशिया की नंबर वन, एशिया की नंबर वन कंपनी है, और हम लोग अपने यहाँ छोड़ के कम से कम 27 राष्ट्रों में काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो है तुम्हारा जापान और तुम्हारा चेकोस्लोवाकिया, रूस, USA सब में जाता है। बहुत बढ़िया, तो प्रोडक्ट के बारे में नो डाउट, ये IPL जब से शुरुआत हुई आज की डेट में क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल, देखो चौन साहब एक चीज है ना,
सेहत का ख्याल रखना है अपन लोगों को। हम पूरी तरह से केमिकल पर कब तक निर्भर रहेंगे? उसका जो किसान आज की डेट में जैसे डीएपी यूरिया उस पर निर्भर है, और देखो जहाँ पे धान के बाद गेहूँ हो रहा है, क्रॉप रोटेशन नहीं है जी, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ क्या रही है कि यूरिया कम से कम 5-5-6 बार पड़ रहा है, ठीक है, धान और गेहूँ मिला के जी जी जी। तो उस मिट्टी की स्थिति क्या होगी, वो मिट्टी जो है जिसका पीएच जो है 8.5-9 तक जा रहा है, मिट्टी छाई रूप में जा रही है जी, तो हम जितना डाल रहे हैं उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उल्टा घट रहा है जी, क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही है, तमाम बीमारी बढ़ती चली, हर साल एक नई बीमारी आती है, आप देखेंगे इंसेक्ट बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है जी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि हम केमिकल को धीमे धीमे जैसे बढ़ाया है वैसे धीमे धीमे घटाएंगे, तो डीएपी की जगह पे हम पोस्टर पीएसबी डलवाते हैं, पीएसबी कल्चर फॉस्फोरस सॉल्वाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जो हमारी जो जमीन में टीसी फॉर्म में पड़ा हुआ फॉस्फोरस है उसको 100% सॉल्वाइज करके फॉस्फोरस की पूर्ति करता है। तो उसको अगर जैसे धान में हम लगवा दें, जैसे जो आपकी जो सॉइल एप्लीकेशन है जी, सॉइल एप्लीकेशन बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल डीएपी आप धान में डालते भी नहीं है, केवल पोस्टर ही डाल देते हैं, और एक किसान डीएपी डाल रहा है उससे कंपेरिजन करवा देना, अच्छा अगर उसके बराबर आता है तो हमारी बात आप सबका है, नहीं आता है तो फिर जो है हम तो ये कह रहे हैं दोस्तों, एक एकड़ में जो धान वाले हमारे किसान है वो एक एकड़ में या दो एकड़ में अप्लाई करके देख लें, अगर रिजल्ट मिले तो ऐसी कोई बहुत कीमती महंगी चीज़ तो आपने गलत बताया, हम कह रहे हैं एक बीघा में ट्राई करके देखें जी, अगर रिजल्ट एक बीघा में होगा तो 10 एकड़ में भी होगा, 100 एकड़ में भी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो किसान को बिल्कुल हमें बहुत बड़ा चैलेंज भी देती है कि किसान को माइक्रोबियल पे आना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, एक समय मिट्टी जो सॉइल हेल्थ बोलते हैं, सॉइल हेल्थ का मतलब क्या है, हमारी मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़िया है जी, मिट्टी में हमारे मृत जीवों की संख्या बढ़िया है जी, तो हमारा जितना भी फर्टिलाइजर है माइक्रोबियल जो अनसोल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है मिट्टी में, वो पौधों तक सोलराइज होकर पौधों तक ये बैक्टीरिया और हमारे जो इको फ्रेंडली फंगस है उन्हीं के द्वारा माइक्रोबियल की सप्लाई होती है, हम डालते भी ऊपर से लेकिन उसको कन्वर्ट कौन करे बैक्टीरिया, और सपोज करिए आप यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया में नाइट्रोजन है, आप किसी भी कहीं किसी से पूछना कि नाइट्रोजन पौधा ज्यादा देती है, नाइट्रोजन हमारा नाइट्राइट में टूटता है, नाइट्राइट हमारा नाइट्रेट में टूटता है, तो पौधा जो है नाइट्रेट और अमोनिया फॉर्म में देता है, अभी अपने आप तो टूट नहीं रहा है, सही बात है, अपने आप नहीं टूट रहा है, इसको तोड़ने फोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारी मिट्टी में एजेक्टो बैक्टर है, एसिटो बैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पिलम है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो हमारे एस्मोपियर में 78% नाइट्रोजन है उसको फिक्सेस करते हैं, और अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में पौधे को सप्लाई करते हैं, ऐसे हमारा दूसरा पोटास है, किसान आलू के अलावा धान में पोटास नहीं डालना चाह रहा है, हम कह रहे हैं पोटास का मेन रोल होता है किसी भी क्रम में दाने की चमक, आकार, स्वाद, वजन, रोग रोधकता और जल धारण क्षमता, ये पोटास में होती है, तो हमें पोटास अगर हम नहीं डाल रहे हैं तो माइक्रोबियल पोटास आता है, आप 2-5 किलो पर एकड़ डालो पोटास एक्टिवा, एक हरदोई के हमारे किसान है धान वाले वो लेके गए उस दिन, और आप जो समझ लीजिए कि पोटास एक्टिवा वगैरह पूरा साल न्यूमेटो फ्री न्यूमेटो की समस्या वहाँ आती है जी जी, तो वो वहाँ उन्होंने लास्ट ईयर लेके इस्तेमाल किया था, हम बता इस साल उनको नहीं उपलब्ध हो पाया, हर आदमी देखो बायोलॉजिकल नहीं समझ पा रहा है, लोग समझते कि केमिकल में, अब देखो हम अब हम जैसे लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, बिल्कुल नहीं, ईमानदार भी जागरूक होंगे, हम लोग भी कर क्या रहे हैं कि विलेज स्तर पे बिग फार्मर मीटिंग, इंडिविजुअल फार्मर कॉन्टेक्ट या मेगा फार्मर मीटिंग, ये गांव गांव जाके उनको दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, उस पर आरडीए करा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ चौहान साहब रिजल्ट भी अगर 50% आए इन चीजों के जी जी, वैसे तो 100% रिजल्ट आते हैं दोस्तों, मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर 50% रिजल्ट भी आए तो बायोलॉजिकल की तरफ लोगों को रुख करना चाहिए, रिजल्ट तो 100% आते हैं, बट होता क्या है कि थोड़ा रिजल्ट इसका स्लो मोशन पे चलता है, बिल्कुल सही बात है, और किसान को क्या है कि आज डाला और कल वो रिजल्ट चाहता है। अब एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, एक तो आपने सॉइल एप्लीकेशन में बता दिया कि 1 किलो आपका फसल रक्षक हो गया, 1 किलो हो गया संजीवनी हो गया, ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जो आता है, फर्टिलाइजर में बताई थी आपको पोस्टर हो गया जो पीएसपी, हाँ पीएसपी कल्चर, सॉइल गोल्ड एजेक्टोबैक्टर है, नाइट्रोजन की पूर्ति
करेगा, ठीक है। और पोटास एक्टिवा जो केन भी बैक्टीरिया फिक्चर और एंसिया, ठीक है, ये जो हमारा पोटास जो गोली वाला डालते हैं मिनट ऑफ पोटास, वो 98% फिक्स हो जाता है, केवल 2% मोबिलाइज होता है। तो अगर हम पोटास एक्टिवा डालते हैं बैक्टीरिया, तो पोटास की 100% तो ये शुरुआत में डालते नहीं है सारी चीज़, हाँ ये शुरुआत सॉइल एप्लीकेशन में, सॉइल एप्लीकेशन में। और जैसी धान हमारा 20 दिन का होता है, इस सबसे बड़ी भयंकर जो आज की डेट में जो बीमारी है, सबसे ज्यादा जो किसान परेशान है वो स्टेम बोरर से। अच्छा, स्टेम बोरर जो तना छेदक आता है, वो जैसे ही हमने धान लगाया 15-20 दिन बाद आना शुरू, तो उसके लिए हम कई केमिकल कंपनी का भी सहारा देते हैं। आपको एक से एक अच्छे प्रोडक्ट बता देंगे, जैसे उसका, हाँ वो है, और तुम्हारा फटेरा आता है, फटेरा आता है दोस्तों, और सिंजेंटा का बटाको आता है। तो ये जो है इस पे CTPR और थाइमेथोक्साम होता है जी, ठीक है। तो ये स्टेम बोरर के लिए एक रामबाण साबित, फटेरा में तो मेरे ख्याल से CTPR ही होता है, केवल CTPR है, बटाको में थाइमेथोक्साम प्लस सिंजेंटा। और अगर और अपना है जिसमें अपना माइक्रोबियल भी यूज कर सकते हो, काली चक्रा के जो नाम से, काली चक्रा के नाम से आता है। अगर किसान काली चक्रा को 10 दिन बाद 1 लीटर अगर अपनी जमीन में डाल देता है, पानी में चला दो, तो स्टेम बोरर आने नहीं। बड़ी बात हम आपको बता दें, अच्छा, ट्राई कर लेना, मतलब धान में धान रखने के पौध रखने के 10 दिन बाद कितना चलाना है, 1 लीटर 1 एकड़ ये करवाए, और वाइट डस्ट के लिए तो है ही, हाँ। और रेड बर्न को भी कंट्रोल करता है, दूसरा स्टेम बोरर पे भी बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो ध्यान रखना भैया, काली चक्रा ढूंढ लेना मार्केट में सभी लोग, हाँ। 1 लीटर पर 1 एकड़ में, और पौध रखने के 20 दिन बाद पानी में चला देना। इनके प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा एक चीज और रखनी है, एक ड्रम ले लो बड़ा 200 लीटर का, उसमें टोटी कसवा लो, बस पानी में घोल के चला दो। इसका MHD है, आप माइक्रोराजा लोग ऊपर से लगाते हैं ये आलू में, मैंने बहुत किसानों को लगवाया है, और बहुत लोग लगा के 100 ग्राम 1 एकड़ की डोज है। ज्यादा सरमजी हम आपको बताते हैं, किसान समझ नहीं पाता है, जो जान जून लेता है, नकली बाल्टी लेता है, कुछ नहीं होता, वो 100 ग्राम को देखता है। ये HT प्रोडक्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, माइक्रोराजा है, इंडोर एक्टो दोनों फॉर्म में होता है, इसको हम ये जो वेब HT है, ये माइक्रोराजा है HT फॉर्म में, इसको हम 1 एकड़ में 100 ग्राम 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, इसका काम क्या है, ये मोनोफक्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ फॉस्फेट, जो अनसल्फर में पड़ा हुआ फॉस्फोरस है उसको मोबिलाइज करके, जैसे PSP आपने डाल दिया, सोलराइज हो गया, घुल गया, बट इसका काम है मोबिलाइज करना, पौधों की जड़ों तक ले जाने का काम है माइक्रोराजा। दूसरा अपटेक माइक्रोन्यूट्रिएंट, जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी मिट्टी में है, ठीक है, अनसल्फर में पड़ा हुआ है, उसको भी सोलराइज करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी पूर्ति करता है। तीसरा इसका काम है pH को अनुकूल करता है, बिल्कुल। चौथा इसका काम है हेयर रूट डेवलपमेंट, आपकी जड़ बहुत तेजी के साथ विकसित होगी, और जब जड़ बहुत अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो फुटाव भी हमारा बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। आज की डेट में फुटाव के लिए किसान मांगता है, हम थावे के साथ कहते हैं, अरे बहुत अच्छा रिजल्ट, आपने बेचा भी है, बट गुजरात तक तो ये फुटाव के लिए सबसे बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट। मैं माइक्रोराजा, देखो एक चीज है ना, हमको अभी कोई, मैं एक डिब्बा दिखा के कह दूं किसानों से कि जी लगाओ आप, मुझे कोई इसमें माइक्रोराजा, दोस्तों आप लोगों ने माइक्रोराजा की विशेषताएं समझी, आपको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, ये उपलब्ध हो जाए तो 100 रुपए 100 आ जाए, ठीक है। दूसरा इसके साथ आप माइक्रोराजा चला सकते हैं घोल के पानी में, और आप जिंक बता रहे थे अपनी, वो जिंक सोल्वेंट, इसको पानी में घोल के चलवाएंगे, बिल्कुल, पानी में घोल के। जिंक की जो बात आप कर रहे हैं ना जी, सरमे जी, धान में जिंक का बहुत बड़ा रोल है जी, अगर जिंक की कमी होती है तो एक क्षय रोग आपने सुना होगा, ये जिंक की कमी से आता है। अच्छा, अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो क्षय रोग आएगा। तो जिंक क्या है कि जहाँ पे धान और गेहूँ हो रहा है लगातार, ठीक है, तो वहाँ पे मिट्टी का pH ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर pH ज्यादा है तो हम जो जिंक डालते हैं अपना, जो केमिकल वाला मोनोहाइड्रेट सल्फेट 33% वाला, वो नाम मात्र के लिए लेता है, और जिंक के फॉर्म में जाम हो जाता है। तो मात्रा किसान बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1 किलो का बीघा लगाते थे, 2 किलो का बीघा लगा रहे हैं, 5 किलो तक पहुंच गया एकड़ में, 10 किलो तक एकड़, तो वो रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे। और जिंक तभी देगा पौधा
ये तो उसका पीएस 7 हो या 7 से नीचे हो जी तो 100% लेगा जी, वो धान के खेत में पीएस 7 मिलेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि जहाँ धान के हो रहा है यूरिया ज्यादा से ज्यादा पड़ रहा है तो उस मिट्टी का ऑलरेडी पीएस बढ़ा हुआ है जी जी, तो वहाँ पे मोनोहाइड्रेट सल्फेट इतना अच्छा काम नहीं करेगी। समझे दोस्तों, और जो जिंको आता है जिंक सोलराइजर बैक्टीरिया होता है उसका काम क्या है, जो जिंक के फॉर्म में जिंक कार्बेट फॉर्म में पड़ा हुआ जो जिंक है जो जमीन में फालतू पड़ा हुआ है पौधे को जिंक की पूर्ति करता है। बहुत बढ़िया, और ये हमने कई जगह ये ट्रायल भी दिया है, किसानों को समझाया, मीटिंग करके दिखाया, आरडीए किया, वहाँ पे हमने की एक प्लांट में 33% वाला डलवाया, एक में जिंक को जो सोलराइजर डलवाया माइक्रोवेल वाला, तो बेटर देन केमिकल, केमिकल से कम ये मान के चलो 5 गुना रिजल्ट। तो उसके लिए हम किसान से ये जरूर कहेंगे कि आप केमिकल वाली धान के एरिया के लिए खासकर कि केमिकल की जगह जो जिंक डालते हैं उसकी जगह आप माइक्रोवेल जिंक का यूज करें, और फिर थोड़े से करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, थोड़े से करके देखो, जरूरी थोड़ी है कि आपसे कोई जबरदस्ती है, आप करके देखेंगे आपके लागत मूल्य घटेगा, जमीन सुरक्षित रहेगी। हमारी जमीन, हम आप माँ की तरह पूछते हैं दोस्तों, जमीन में पानी की कमी या हमारी मिट्टी का खराब होना, ये हमारे लिए एक बहुत दुखद बात है। लोग कहते हैं कि आप दवा बेचते हैं, केमिकल दोस्तों जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल करना वो सारा चीज नुकसानदायक होती है, इसीलिए धीरे धीरे करके दोस्तों हम चौहान साहब ईमानदारी, मैं किसी भी कंपनी देखो दवा का काम करते हैं, खेती सुरक्षित रखना हमारा काम है, किसानों को दवा देना हमारा काम है। सलमान जी, आपने हम एक की बात पूछना, आपने स्टार्ट किया था जी, आपको इन प्रोडक्टों पे विश्वास, पिछली साल तक भी विश्वास, घेर को अपने में लगाने के बाद सिर्फ 2 प्रोडक्टों पे विश्वास था, ट्राइकोडर्मा पे और फसल रक्षक पे, और हमने क्या कहा कि इन पे न्यूमेटिक्री, कंपनी का माइक्रोराजा सबसे अच्छा समझते हैं, माइक्रोराजा उसके बराबर पे लगाना, अगर रिजल्ट 21 है तो बेचना इसको जी, अगर बराबर भी है तो जो बेच रहे हो वही बेचो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो आज माइक्रोबियल में हम आपको एक बार फिर कहेंगे कि आईपीएल का जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट आते हैं उनका कोई नहीं तोड़िए, तो ठीक है, इतना ही कहना चाहेंगे कि किसान केमिकल को घटाइए और जो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट को अब यूज करें। शुरुआत से आप अभी आपने बताया कि किससे बीज शोधन करें, जमीन में ट्राइकोडर्मा और फसल रक्षक दोस्तों, ट्राइकोडर्मा फ्लोरेंसिस और नहीं सूडोमोनास फ्लोरेंसिस और ट्राइकोडर्मा वीडी, इसको 1-1 किलो एकड़ में जमीन में लगा दें सॉइल ट्रीटमेंट में। नर्सरी के लिए चौहान साहब ने बता दिया, काफी चीजें आप लोगों को बताई हैं दोस्तों, और मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और नंबर पर फोन करके भी पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, अगर आपको जानकारी का अभाव रहे तो। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर करना, धान वाले किसानों के लिए बहुत एक अच्छा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी, बाकी कोई गड़बड़ दिखे तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, फिर मैं चौहान साहब को एक बार कष्ट दे दूंगा। धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों को दोस्तों, दिन शुभ हो।